वेब दर्शन की ओर से योगिनी एकादशी के दिन आप सभी को नमस्कार। योगिनी एकादशी अर्थात ऐसी एकादशी जो सारे पापों का नाश करने वाली, शांत करने वाली और साथ ही सारे पुण्यों का फल देने वाली एकादशी होती है। आज ही के दिन यानी योगिनी एकादशी के दिन देह त्याग करने वाले बाबा देवराह के विषय में हम आपसे कुछ जानकारी साझा करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि बाबा की उम्र 900 वर्ष की थी। देवहरा बाबा को जीती जागती नाव देवहरिया ऐसा भी कहा जाता था, ऐसी नाव जिस पर चढ़कर संकटों का नाश हो जाता है। यूं तो बाबा के कई नाम प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें से एक नाम है जलेसर बाबा। जलेसर शब्द का अर्थ होता है जल से प्रकट हुआ मानव, जो सारी व्याधियों को, दुखों को, कष्टों को मुक्ति प्रदान कर देता है। बाबा के चमत्कारों की फेहरस्ती बहुत लंबी है, लेकिन उनमें से उस सूची में से एक चमत्कार है जो 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान हुआ। गोरखपुर में बहुत सूखा पड़ा था, वहाँ सूखे से त्राही त्राही मची हुई थी। वहाँ बाबा ने नदी को पार कर, सरयू नदी को पार करके रेत के बीचों बीच जाकर वे खड़े हो गए थे, और वहाँ से उन्होंने जो साधना की, उस साधना के फलस्वरूप वहाँ पर मूसलाधार वर्षा हुई। देवराह बाबा अष्टांग योग में पारंगत है और साथ ही उन्होंने खेचरी मुद्रा को भी साध्य किया था। मनुष्य ही नहीं, बाबा के भक्त जानवर भी थे। वर्ष 1962 के आसपास रांची के जंगलों में, जहां बाबा ऐसे ही विचरण कर रहे थे, तब एक भालू उनके सामने आया और उसने उन्हें साष्टांग जमीन पर लेट कर प्रणाम किया। बाबा उसके साथ बाद में उसकी खोह में गए। उस खोह में बहुत सारे भालुओं की सेना थी। वहाँ के जो उस जंगल के जो भी सेवक थे और बाबा के साथ के कुछ लोग थे, जंगलों के मालिक थे, उनसे विनती करके बाबा ने उन सभी भालुओं के लिए घी डालकर खिचड़ी बनवाई और बाबा ने उन्हीं के साथ भोजन भी किया। श्री राम और श्री कृष्ण को एक ही मानने वाले बाबा अपने भक्तों को श्री राम और श्री कृष्ण का मंत्र भी दिया करते थे। ऐसे सिद्ध महापुरुष बाबा देवराह की अनेक राजनीतिक विभूतियाँ भक्त रहीं और समय समय पर उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया। ऐसे योगी संत पुरुष बाबा देवराह को आज योगिनी एकादशी के दिन हम सभी का नमन और वंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।